नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर। अब तक पेश से गांव शहर और राजनीति एपिसोड, ये वही एपिसोड है जिसमें थोड़ी सी उलझन होती है। लोगों को ये समझ नहीं होता है कि ये एपिसोड राजनीति से जुड़ा है या फिर किसी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है या फिर किसी बीजेपी पार्टी के लिए काम करता है। इसी एपिसोड में लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस एपिसोड का नाम ही है गाँव शहर और राजनीति। इस एपिसोड में हम गांव के विषय को लेकर आते हैं और अपने गांव के आसपास जो हमारे शहर है उसके विषयों को लेकर आते हैं, और राजनीति से जुड़ा हुआ जो हमारे मुद्दे होते हैं उसको भी लेकर आते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे किन्नौर में जो जो FRA के तहत पांच जो जो लोगों की जो है वन अधिकार के तहत पांच लोगों को जो है स्वीकृति मिली थी, उस पर पूरा किन्नौर और पूरा जो किन्नौर ने जो है खुशियां जताई थी। तो उसी विषय पर आखिर, हाँ आखिर FRA का जो मसला है, इतने सालों से लोग लड़ रहे हैं, हमारे जो बहुत सारे वन अधिकार से जुड़े हुए वन वन के जो हमारे जो हक हकूक के लिए जो लड़ रहे हैं कई सालों से, तो आखिर जो है हमारा जो ये जो ये जो FRA का जो मसला है एकदम कैसे सॉल्व हो गया और कैसा अधिकार मिला, इस पर कई लोगों की शंकाएं रहेगी होगी। लेकिन आज इसी शंका को हम यहाँ दूर करेंगे, क्योंकि जो अधिकार वन अधिकार के तहत पांच मामलों की स्वीकृति पर जो पूरा किन्नौर खुशियां मना रहा है, और हो सकता है अब जल्द ही सभी लोगों की खुशियों को जो आपके घर द्वार में आए। तो FRA का जो इतने सालों के बाद कांग्रेस है बीजेपी आपस में लड़ती रही, तो आखिर में जीता कौन, कांग्रेस या बीजेपी या फिर जनता की जीत हुई जिन्होंने जिन्होंने FRA के तहत जो है एक मुहिम को छेड़ा, हर मंचों से लेकर हर मीटिंगों से लेकर गांव गांव में लोगों को जागरूक किया, गांव गांव में लोगों को जो है FRA के बारे में समझाया। ऐसे वन अधिकार समिति के जो अध्यक्ष हमारे जेलाल नेगी जी और बहुत सारे हमारे जो यहाँ के IAS ऑफिसर है, बहुत सारे हमारे यहाँ के जो युवा पीढ़ी के लोग है FRA के तहत जो है ये जो लड़ाइयाँ लड़ते रहे चाहे। तो इसलिए जो खुशी का जो आज एक माहौल बना है किन्नौर के अंदर में FRA का जो जो स्वीकृति मिला है, तो इसमें जीत किसकी हुई और FRA है क्या चीज है, जीत जीत किसके बारे में और FRA है क्या, FRO में हक हकूक क्या है, क्या इसमें जो नजायज कब्जा के बारे में कुछ दिन पहले एक बात चली थी कि नजायज जो कब्जा रहेगा वो किस प्रकार का FRA के तहत आ सकता है। नजायज कब्जा में या तो भूमि जिसके पास ज्यादा होगी या कम भूमि वाले, ऐसे कई सवाल होंगे। तो हमारे साथ आज जुड़ने वाले अतिथि थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व रिटायर्ड तहसीलदार बालम राम नेगी जी, लेकिन वो जुड़ नहीं पाएंगे। कारण ये कि वहाँ उनकी जो है सिग्नल की और तकनीकी दिक्कतें हैं, जुड़ नहीं पाए, बहुत कोशिश किया। और श्री जे लाल नेगी जी जुड़े हैं लेकिन उनके साउंड में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर समझ पाएंगे तो बेहतर रहेगा। और PK गलोंग जी भी जुड़ नहीं पाएंगे, कहीं किसी जो है महफिल में और वहाँ बहुत शोर शराबा है तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, फिलहाल अगले एपिसोड में आएंगे। और टाशी नेगी जी अभी सफर में हैं, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही फ्री होता हूँ जुड़ूंगा। और हमारे साथ जुड़े हैं जो मैन हमारे जो आज के जो जिनसे हमने जानना है कि FRA क्या चीज है, FRA के तहत जो किन्नौर में खुशियां के लड्डू जो है फूट रहे हैं, तो हमारे BDC जो जो BDC के जो मेंबर है हमारे जो मलिंग से पूर्व ब्लॉक के हमारे आदरणीय पद्मा दोरजे जी, उनका मंच में स्वागत करते हैं। उससे पहले एक वीडियो, छोटी सी झलक, उस वीडियो को समझना है, 8 मिनट आपने उसमें समय लगाना है। और जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े हुए उनसे निवेदन करता हूँ, अगर पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो और शेयर करें, क्योंकि आपका पेज है, जितना आप प्रतिक्रिया करेंगे आपके द्वारा ही ये FRA का केस सॉल्व हुआ, आप ही जो है आप लोग ही इसके विजेता रहे और आप लोग ही भागीदार बने हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो चलिए सबसे पहले इस एपिसोड में अतिथियों को बुलाने से पहले एक छोटी सी झलक, आप उस वीडियो को तसल्ली से समझना है, उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। आइए जानें वन अधिकार कानून 2006 के तहत विकास कार्यों के लिए कैसे होगा भूमि का परिवर्तन। पिछले कुछ समय से जब भी हम प्रदेश भर में गांवों में जा रहे हैं तो वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत लगभग हर गांव में एक सवाल जो है वो बहुत कॉमन है। वो सवाल है कि कैसे वो अपने जो विकास के कार्य हैं उन कार्य के लिए भूमि को परिवर्तित कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के अंदर भी है।
बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर इस पूरी डाइवर्शन की प्रोसेस को लेकर। जबकि वन अधिकार कानून 13 तरह की जो गतिविधियां हैं उनके लिए एक हेक्टेयर भूमि जिसमें 75 से ज्यादा पेड़ ना कटते हो ऐसी भूमि को डाइवर्ट करने की जो पावर है वो ग्राम सभा को देती है। और ये जो पावर है ये पावर रेकमेंड करती है ग्राम सभा और उसके रेकमेंडेशन से ये डाइवर्शन की प्रोसेस में जाता है और फाइनली इसको डीएलसी में जाके ये डाइवर्ट होता है, इसका फाइनल जो डिसीजन होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है कि होती कैसे है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है इस कंफ्यूजन के चलते बहुत सारे जो गांव के लोग हैं उनके कई सड़कों के मामले, आंगनबाड़ी का मामला, स्कूल का मामला, हॉस्पिटल का मामला, पानी की कुलों का मामला, बिजली की तारों का मामला लटका पड़ा है और लोगों को समझ नहीं आ रही है कि करना कैसे है। तो आज हम इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इस प्रक्रिया में जब कंफ्यूजन हुआ तो भारत सरकार ने 18 मई 2009 को एक इसके ऊपर पूरा एक गाइडलाइंस निकाली, एक निर्देश निकाला कि इसकी डाइवर्सन होगी कैसे और उस डाइवर्सन में पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। इसमें जब जो लैंड डाइवर्ट होनी है वो वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(2) के तहत होना है। उस लैंड को डाइवर्ट करने की जो पावर है वो ग्राम सभा को होनी है। लेकिन मान लो अगर वहां पे कोई लैंड डाइवर्ट होना है तो उसकी प्रक्रिया शुरू होती है यूजर एजेंसी से। अब ये यूजर एजेंसी होती क्या है? यूजर एजेंसी होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कोई डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस या कोई ऐसी एजेंसी जो इसमें इस भूमि को डेवलप करना चाह रही है, इस भूमि में अपना कोई फैसिलिटी जो है क्रिएट करना चाह रही है। मान लो अगर हमारे यहां पे आंगनबाड़ी करना चाह रही है तो हमारा जो CDP ऑफिस है वो यूजर एजेंसी है। अगर वो स्कूल के लिए जा रही है तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है यूजर एजेंसी है। अगर वो हॉस्पिटल के लिए जा रही है तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें यूजर एजेंसी है। तो यूजर एजेंसी के ऑथराइज्ड जो ऑफिसर है उसके माध्यम से एक एप्लीकेशन जो है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो आपको एक फॉर्म है जो दिया गया है, उस फॉर्म में ये फॉर्म है, उसमें इस फॉर्म में आप देखेंगे फॉर्म ए है ये, और इस फॉर्म में एक क्या आप उसका डाइवर्शन होना है, कितना डाइवर्ट लैंड होना है, कितना यूजर एजेंसी को उस लैंड की आवश्यकता है उसके बारे में इसमें जानकारी देनी है। किसने? यूजर एजेंसी के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ग्राम सभा को। लेकिन ग्राम सभा को देंगे कैसे? ग्राम सभा को देने का मतलब है कि यूजर एजेंसी ये वाला फॉर्म भर के जो है वो वन अधिकार समिति के सचिव या वन अधिकार समिति के प्रधान के पास इस फॉर्म को जमा करवाएंगे। और जब ये फॉर्म ए वन अधिकार समिति के पास आएगा तो वन अधिकार समिति इसके अनुसार वहां की ग्राम सभा बुलाएगी और उस ग्राम सभा में इस सारे फॉर्म को, इस केस को और बाकी भी जो केस हैं, जो दावे हैं या कोई और इस तरह की कोई और यूजर एजेंसी का एप्लीकेशन उनके पास आई है, इनको वो वन अधिकार समिति की जो ग्राम सभा है उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। अब एक कंफ्यूजन और है, अभी भी बहुत सारे लोग वन अधिकार की ग्राम सभा को पंचायत की ग्राम सभा के साथ मिलकर देखते हैं, जबकि वन अधिकार कानून 2006 की जो ग्राम सभा है वो उस वन अधिकार समिति का जो गांव है, वो जो जिसमें वो बनी हुई है समिति, जिस गांव की बनी है उसमें रहने वाले जो बेस्ट लोग हैं 18 साल और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके 50% लोगों का उस ग्राम सभा में हाजिर होना आवश्यक है और उसमें भी 33% महिलाओं की भागीदारी होनी आवश्यक है। ये केस जो है ग्राम सभा के लोग उस केस को डिस्कस करेंगे और वो देखेंगे कि जिस भूमि का रिकमेंडेशन वो उनको देने के लिए यूजर एजेंसी ने उनसे मांगा है रिकमेंडेशन, क्या वो देने लायक है या क्या वो देनी है। तो अगर वो रिकमेंड करती है ग्राम सभा तो ये एक प्रक्रिया का, यहां पे रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया है ग्राम सभा द्वारा वो उस दिन तय की जाएगी, रिकमेंडेशन दी जाएगी। उसके बाद ये जो रिकमेंडेड उस ग्राम सभा ने रिकमेंडेशन दी है इस वन भूमि को परिवर्तित करने के लिए, विकास के कार्य के लिए, ये फॉर्मेट द्वारा चला जाएगा यूजर एजेंसी के पास और यूजर एजेंसी इस फॉर्म के साथ जो ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव है, रिकमेंडेशन का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को अटैच करके जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है उस रेंज में, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है उस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को ये जाके जमा करवाएगी। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो है
इस एप्लीकेशन इस फॉर्म को देखेंगे, उसके रेजोल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद 21 दिन के भीतर भीतर उनको वहां पे जाके साइट इंस्पेक्शन करना है। साइट इंस्पेक्शन के बाद उसका भूमि जो है उस भूमि की पैमाइश करनी है, कितना एरिया चाहिए, कितने पेड़ कटेंगे कितने नहीं कटेंगे, और धारा 3(2) के अनुसार जो उसमें शर्त है उस शर्त को देखेंगे। अगर वो उन सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, ग्राम सभा का रिकमेंडेशन है, तो ये सारी डिमार्केट, ये सारा जो रिपोर्ट है आरएफओ, वो 21 दिन के भीतर भीतर डीएफओ को जमा करवाएंगे अपने रिकमेंडेशन के साथ, ये परिवर्तित की जानी चाहिए या परिवर्तित नहीं की जानी चाहिए, इस रिकमेंडेशन के साथ डीएफओ के पास जाएंगे। जब ये एप्लीकेशन डीएफओ के पास पहुंचेगी तो डीएफओ को 28 दिन का टाइम है कि 28 दिन के अंदर वो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, जो भी कंडीशन हो। अगर इसमें वो एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सन के एक्सेप्टेंस होती है इसमें, तो ये जाएगी सीधी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है उसके चेयरमैन के पास, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में इसको फाइनल जो डाइवर्सन है इसको कर दिया जाएगा। अगर वो रिजेक्ट होती है तब भी ये जाएगा फैसला डीएफओ के द्वारा, जो डीएलसी है डीएलसी में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में 1/3 मेजोरिटी में, 1/3 के कोरम के साथ इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। अगर डीएफओ ने उसको एक्सेप्ट नहीं भी किया है तो डीएलसी को यह पावर है कि वो इस डाइवर्सन को एक्सेप्ट करके रेकमेंड कर सकती है, इस एक्सेप्ट करके इसके डाइवर्सन के ऑर्डर दे सकती है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो डीएलसी इसको डेफिनेटली डाइवर्ट करने का ऑर्डर जारी है। जैसे ये डाइवर्सन की प्रोसेस में आता है, उसके बाद जो आरएफओ है, जो रेल फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो वहां जाके उस लैंड को डिमार्केट करेगा। डिमार्केट करने के बाद उस लैंड में एक कंडीशन है कि जितने पेड़ वहां पे कटेंगे उनके दुगने पेड़ जो है वो यूजर एजेंसी जो है वो लगवाएगी, और वो जो दुगने पेड़ लगवाएगी उनका 5 साल का मेंटेनेंस का खर्चा भी यूजर एजेंसी उठाएगी। तो ये सारी शर्त के साथ जो है वो लैंड डाइवर्सन के लिए जो अपना आरएफओ दे देंगे, और ये लैंड जो डाइवर्ट हो रही है इसको हैंड ओवर करेंगे जो ग्राम सभा है वहां की, उस ग्राम सभा के समक्ष जो है उस यूजर एजेंसी को ये डाइवर्सन का एक सर्टिफिकेट उनके पास देंगे। ये एक बहुत साधारण प्रक्रिया है जिसको लोग अपनाएंगे, लोग अपने डाइवर्सन के लिए, जो अपने विकास के कार्य के लिए इस पूरी प्रोसेस को अपनाने की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, इन्होंने कहा कि कितना साधारण प्रक्रिया है भूमि को जो है नियंत्रण करना, लेकिन ये प्रक्रिया हमारे लिए इतना साधारण नहीं रहा क्योंकि हम इस पर लड़ते रहे और अपने हक हकूक के लिए। तो जानते हैं हमारे जियालाल नेगी जी से, पहले हम उनको लाते हैं मंच में, उसके बाद हमारे दौरजे जी हमारे साथ बैठे हैं। पद्मा दौरजे जी विस्तार से आपको बताएंगे एफआरए के तहत किन्नौर में क्या क्या गतिविधियां चली, क्या क्या गतिविधियां होनी है, और एफआरए क्या कैसे जो है किन्नौर को जो है जल्दी से सभी लोगों को जो है जिनकी समस्याएं हैं जो एफआरए से तहत जैसे विकास कार्य रुके तो वो कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए मिलते हैं। जियालाल सर नमस्कार जी, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार आप सभी को, सभी व्यूअर्स को, और आपके जो भी आप पैनलिस्ट यहाँ पे हैं हमारे साथ, उन सभी को मेरा नमस्कार। आपकी वॉइस में थोड़ी सी बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है फिलहाल, चलिए दो लाइन में आपसे मैं जानना चाहूंगा। जियालाल सर बात ये कि जो अभी अभी जो जो हमारा जो वन अधिकार के तहत 5 मामले में जो स्वीकृति मिली है, तो इसका जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जो राजनीतिक दलों को या किन्नौर की जनता को, जो जिन्होंने रात दिन आप लोगों ने जो है इसके इसके लिए काम किया है, किसके लिए श्रेय का पात्र कौन रहेगा इसमें? बिल्कुल, इसमें श्रेय जो है जनता को ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जनता जो है बहुत सालों से इस अधिकार को लेने के लिए जो है संघर्षरत रही है, और इसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है और जो सब डिविजन लेवल कमेटी है उन्हें भी मैं श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से जो है इसको आगे बढ़ाया है, और स्पेशली जो है हमारे जो किन्नौर के डीसी साहब है अभी सादिक हुसैन जी, उन्होंने इसमें जो है काफी इंटरेस्ट लिया है और 5 लोगों का जो पट्टा दिया है, ये काफी एक बड़ा जो है हमारे लिए सुकून
फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही है हम यहाँ पर। चलिए आपकी प्रतिक्रिया पता लग गया कि जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो है कमेटी को जाता है, डीएलसी को जाता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब को जाता है और जनता को जाता है। अभी काम बहुत सारे करने हैं, इस प्रकार से इन्होंने प्रतिक्रिया की है। आवाज साफ नहीं है क्योंकि पहले भी हमने टेस्टिंग की है तो दिक्कत आई। चलिए फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हैं बीडीसी ब्लॉक जो है हमारे पू ब्लॉक के पद्मा जी, तो चलिए उनका उनको बुलाते हैं और उसके बाद उनसे पूरी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो आज मैं ज्यादा जयलाल जी से ज्यादा मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अनिल जी कह रहे हैं कि वॉइस की दिक्कत आ रही है और कुशांग नेगी जी की वॉइस की दिक्कत आ रही है और सारे वॉइस की दिक्कत आ रही है। फिलहाल मैं आपसे को जुड़े रहने के लिए कहूंगा क्योंकि वॉइस की दिक्कत आ रही है कह रहे हैं। तो चलिए आपने कहा कि डीएलसी को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जनता को जाता है, तो आगे हम जानेंगे। काशी जी नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है किन्नौर अब तक भेज में। ओ नमस्कार जी रामगत जी, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़े नेटवर्क इश्यू था। जी कोई बात हाँ नहीं, थोड़ा सा आप नमस्कार, फैम में आए, फैम आपका थोड़ा सा स्क्रीन और ऊपर करें। हाँ हाँ काशी ठीक सर, है। बहुत बहुत बधाई वन अधिकार का जो जो पहला जो हमारा जो पांच संस्कृति हमारे किन्नौर को मिला, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी राम भगत जी, इसका श्रेय तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जियालाल जी और उनके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी पिछले कई सालों से, क्योंकि जियालाल जी मेरे अपने गांव के हैं तो इनके साथ तो हमारी राफ्ता जो है इस मुद्दे पर अक्सर बीच बीच में कई दफ़ा होती रही है। तो ये श्रेय तो उन लोगों को ही जाता है जो पिछले कई सालों से जो है इस मुहिम को लेकर के चल रहे थे राम भगत जी। फिलहाल आप अपनी ओर से फिलहाल जो अपनी ओर आप अपना, से मैं जब बोलूंगा माइक का भी ध्यान अपना, देना, इसमें मैं जो जब हार्निंग बोलूंगा होती माइक जब का भी सिग्नल ध्यान की देना, दिक्कत इसमें आती है। हार्निंग होती जब सिग्नल। मोदी जी इतने सालों से लड़ाई रही, कांग्रेस की होगी चाहे बीजेपी की होगी, लड़ाई रही और जनता हम लोग जो है अफारे के तहत जो है कहीं ना कहीं विकास का रुक गया और अचानक ही जो है जैसे ही अब हम बोलेंगे कि इसका चुनाव का मुद्दा लिया जा रहा है, हम इसके लिए भी नहीं बोले जब सरकार इसको आसानी से कर सकती थी, 4 साल बाद किया गया तो क्या, क्योंकि हमें तो इतना ही पता चला था कि यह केस जो है सुप्रीम कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट से कैसा नोटिफिकेशन निकला इस पर हम जानना, ज्यादा जानना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन इतनी देरी हो गई तो आखिर इसका इसका श्रेय कौन लेना चाह रहा है कि कौन लेना चाह रहा है? क्या राजनीतिक दल अपना अपना श्रेय लेना चाह रहे होंगे? आप इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया करेंगे? इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया करेंगे राम भगत जी, जो मैं यहाँ पे राजनीतिक दलों के बारे में तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरा अपना जो निजी मत है, और मत भी नहीं कही, एक सवाल भी है और एक संशय भी है, वो ये है कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं मंच पर बैठे और जो हमारे दर्शक हैं, कि जो वन अधिकार अधिनियम FRA है ये 2006 में आया, और उसके बाद 2006 से लेकर के अब 2022 तक आया, और 2022 में जा करके हम लोग कुछ हद तक सक्सेस कहूँगा, यानी कि थोड़े बहुत हद तक हम सक्सेस हुए। तो इतने लंबे अंतराल में ऐसा क्या रीज़न है राम भगत जी कि इतने लंबे अंतराल में किन्नौर के अंदर FRA का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, जबकि आप जानते हैं कि मैं भारत में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेंगा करके एक ट्राइबल कम्युनिटी है उनको बहुत सारा जो लैंड है वो FRA के तहत दिया गया। तो ये मेरा क्वेश्चन है जियालाल जी का, आज थोड़ा सा साउंड वो है, तो अगर वो हमारे साथ एक और मेहमान बैठे हैं, क्या नाम है उनका, पन्मा जी, दर्जी, तो अगर पद्मा दर्जी उनके जी, पद्मा नॉलेज में हो तो मैं थोड़ा सा ये दर्जी जानना चाहूँगा, और शायद हो सकता है कि किन्नौर के बहुत से लोगों के मन में भी ये एक सवाल होगा कि इतनी जो देरी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या इसमें कोई अभी भी कोई गड़बड़ी है, तो क्या इसमें जी क्या ऐसी चीज़ें रही होगी, इस पर थोड़ा सा कोई प्रकाश डाले राम भगत जी। जी अभी मंच पर बुलाते जितने भी हमारे पेज से बुलाते जुड़े हैं, जितने भी अपनी हमारे माइक पेज से सर जुड़े थोड़ा हैं, सा, जितने भी पेज से जुड़े हैं दर्शकों से निवेदन करता हूं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ढाले, आप लोग भी भागीदार है, आप लोग विकास के भागीदार है।
ये तो मंच बनाया है, हमने तो सिर्फ इसमें एक व्यवस्था को रखना है, बाकी भागीदारी तो आप लोगों की भी रहेगी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखें किन्नौर अब तक पेज में। आखिर 2006 के बाद 2022 तक क्यों पेज फंसा रहा, कारण क्या रहा? सभी दल है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे जनता हो, चाहे मैं सभी से अपील करूंगा, चाहे महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, जो भी है किन्नौर के पेज में जो है अब अपनी प्रतिक्रिया रखें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो चलिए, मैं आज के अतिथि महोदय उन्हीं से जानते हैं। दर्जी साहब, आपको बधाई और आपको किन्नौर अब तक पेज में नमस्कार और आपका शुभ संध्या। आपकी माइक ऑफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक मंच दिया है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अपने जो एक्सपीरियंस है एफआरए के लेके, और जो यहाँ पे मिसकंसेप्शंस है, कई यहाँ चीजों को इंटरमिक्स किया जाता है, जिस वजह से दुविधा की स्थिति में पहुंच जाते हैं लोग। तो उन सब चीजों पे मैं आपके मंच के माध्यम से, जितने मुझे ज्ञान है, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ और पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से गेन कर पाया हूँ, वो सब चीज शेयर करने की कोशिश करूंगा जी। जी, सबसे पहले आपके लिए बधाई है, बधाई कि वन अधिकार के तहत जो 5 मामले की स्वीकृति हो गई है उस पर आपके लिए बहुत बधाई। इसके लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, हमारे किन्नौर की जनता को, राजनीतिक दलों को? देखिए, अब ये श्रेय जो चीज है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को दूंगा जिन्होंने इस लड़ाई को जिंदा रखा, वरना सरकारें चाहती ये लड़ाई कब की मर चुकी होती। सरकार ने दबा दिया था, हर तरह से कोशिश किया, चाहे जो भी सरकार आए, मेरे को यहाँ पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हुआ। और ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जागृति मंच और हमारे साथ जुड़े हिमालय नीति अभियान से और हिमदरा पर्यावरण समूह समूह सॉरी श्री प्रकाश भंडारी जी, गुमान सिंह जी और कई हैं, जिया लाल जी, आप जानते हैं, आपके निकट में रहते हैं कल्पा में, तो हम भी मतलब कह सकते हैं कि सब चीजों से दूर अपने में मस्त कहीं रहे थे। और अचानक एक दिन आदरणीय श्री आर एस नेगी जी मिले, फिर जाके हमें ये समझ आया कि ये वन अधिकार की लड़ाई की इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। थोड़े से मेरे एयरफोन की वजह से एको आ रहा था, तो मैं एयरफोन रिमूव कर देता आप, हूँ। हाँ सिंपली बोले सर, एयरफोन में ना रखें। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बगैर इन सभी संस्थाओं के बहुत मुश्किल होता। लोग भूल चुके होते कि वन अधिकार अधिनियम है क्या और ये हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है, कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अभी भी देखिए, अभी 13 साल की लड़ाई है, 13 साल की लड़ाई के बावजूद भी आम लोगों में तो दुविधा है ही है, लेकिन आप जानते हैं इतने पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड तहसीलदार जिसे आप कह रहे थे, श्री बी आर नेगी जी, वो आज इस मंच में नहीं आए आ पाए। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो भी आएंगे और हम अपने पक्ष यहाँ पे रख पाएंगे। तो सबसे पहले स्थिति यहाँ पे लोगों में डाउट ये था कि वो पात्र लोग हैं कि भी नहीं है। तो पात्रता की जो डेफिनेशन है, यदि आप अभी मुझे अलाउ कर रहे हैं, तो मैं जो पात्रता की डेफिनेशन है वो रखना चाहता हूँ। जरूर रखिए जी। एक सवाल एक मैं सभी अतिथियों से कहना चाहूंगा, अगर दोर्जे सर से किसी ने भी कोई सवाल रखना हो, या फिर आपने जेलाल से रखना हो, या टाशी सर से रखना हो, तो कोई भी आपस में रख सकते हैं। मैं तो सिर्फ संचालक हूँ, मेरा काम है संचालक यहाँ पर प्रतिक्रिया को करना। तो चलिए, स्वागत है सर आपका। दोर्जे सर जी, यहाँ पर जयलाल जी कुछ प्रतिक्रिया कहना चाह रहे प्रतिक्रिया हैं। दे रहे हैं, जेलाल सर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक बार आप वेट कीजिए। जी जेलाल सर बोलिए, अगर आपकी आवाज क्लियर हो तो। नहीं, मैं इसलिए हाथ उठा रहा था कि मेरी आवाज अब क्या क्लियर आ रही है? मैंने दूसरा आप फोन क्लियर यूज है कर सर, रहा हूँ आप मैं। बिल्कुल क्लियर है। आप अगर आ, आ, फुल स्क्रीन में आते तो बेहतर होता, ऑटो रोटेट में ढालकर अपने कैमरे को। चलिए फिलहाल फिर भी ठीक है जी। कहिए सर, दर्जे सर।
जी, तो यहाँ पे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो अपने पात्रता को लेकर शक जाहिर करते हैं, संशय में रहते हैं, उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट जो भी शर्तें रखी गई है हमारे पात्र होने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत, उसको जिला किन्नौर के सभी आदिवासी लोग पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पे शर्तों के मामले में तीन शर्तें रखी गई है, जिला किन्नौर व हिमाचल के जनजातीय लोग वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कैसे पात्र हैं, ये धारा 3(1) के तहत हम बताना चाहते हैं। तीन शर्तें रखी गई है जी, सेक्शन 2(c) के माध्यम से। दावा करने वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र से दावा कर रहा है वो क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। हम सब हैं, पूरे किन्नौर के लोग अनुसूचित जनजाति सर्टिफाइड है ना जी, हम ट्राइबल एरिया में हैं। दूसरा शर्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरीली रिसाइड इन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू 13 दिसंबर 2005। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझने की जरूरत थी। लोगों ने यहाँ पे ये ऐसे तर्क देने शुरू कर दिए कि हम वन के अंदर निवास कहाँ करते हैं, ये तो उन लोगों के लिए है जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे उड़ीसा साउथ साइड के ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ पे जंगल ही जंगल है और जंगल के अंदर लोग निवास करते हैं, तो यहाँ पे हमें व्यापक स्तर पे समझने की जरूरत है जी। और इस वाक्य को जिसको मैं अभी कोट कर रहा था, प्राइमरीली रिजाइड इन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू 13 दिसंबर 2005, इसका जो व्याख्या है फाइनल FAQ ऑन FRA 2006 बाय UNDP एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने व्याख्या दिया हुआ है। यदि किसी के पास ये किताब हो, ये है FAQ, फाइनल FAQ बाय UNDP एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके पेज नंबर 8 में पैरा 3 में स्पष्ट व्याख्या किया गया है, जिसको मैं कोट करके बताना चाहूंगा। कृपया ध्यान दीजिए, द फ्रेज प्राइमरीली रिजाइड इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड डज नॉट मीन ऑक्यूपेशन proof of residence in the forest for 75 years where claim has been filed and current dependence on the forest land will suffice for being considered as OTFD. ye to OTFD ke liye tha. ab hamare liye jo general mein bataya gaya hai wahan ye bataya gaya ki such scheduled tribe and other traditional forest dwellers who are not necessarily residing inside the forest but are depending on the forest for their bona fide livelihoods would be covered under the definition of forest dwelling scheduled tribe. यहाँ इस बात की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि जनजातीय लोगों को और OTFD को, जो सिरमौर साइड के निचले क्षेत्र के जो पात्र लोग हैं, उनके लिए ये व्यवस्था दी गई है कि वन में निवास करना जरूरी नहीं है, बल्कि वन पर आश्रित होना ही काफी है। वन पर आश्रित हम पहले से थे, हमारे राइट सेटलमेंट के टाइम पे सारे नक्शे पतन और वाजी बुलर्स में दर्ज किए जा चुके हैं। अब आप फिर यहाँ पे एक संशय की बात आ जाते हैं कि हमारे ऊपर वन नहीं है, तो यहाँ पे वन भूमि की जो व्याख्या है माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से, उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि वन भूमि डिक्शनरी लेवल पे समझना इसके लिए काफी नहीं है, इसके लिए व्यापक स्तर पर वन भूमि का डेफिनेशन समझने की जरूरत है। अब मैं वन भूमि का जो डेफिनेशन है वो आपको सामने रखना चाहता हूँ, ये भी FAQ के माध्यम से, क्योंकि ये हर चीज के ऊपर स्पष्टीकरण दे रहा है। हम पात्र कैसे हैं इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पे स्पष्टीकरण UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से FAQ के माध्यम से आया हुआ है। तो कृपया वो जो वन भूमि के डेफिनेशन है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। The FRA under Section 2D defines the term forest land as land of any description. ध्यान दीजिए, any description
फॉलिंग विद इन एनी फॉरेस्ट एरिया एंड इंक्लूडिंग अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. दिस डेफिनेशन इज इन स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज स्टेटेड अबव. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था FCA 1980 सेक्शन 2 के ऊपर, गोदा वर्मन केस के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे स्पष्ट व्याख्या दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि वन भूमि की परिभाषा क्या हो. वन भूमि हर वो वेस्टलैंड जो गवर्नमेंट ने वन भूमि के तौर पे यहाँ पे दर्ज किया हुआ है. ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे पेड़ ऊंचे ऊंचे घने जंगल हो, सिर्फ उसको वन भूमि की परिभाषा के तौर पर देखा नहीं जा सकता. यहाँ पे स्पष्ट व्याख्या दिया हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पात्र हैं और हम वन पे आश्रित है. क्योंकि वन का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ पेड़ ही हो. यहाँ पे जो हमारे पास जितना वेजिटेशन है, चाहे झाड़ियां ही क्यों ना हो, पत्थर मिट्टी, सारे वन की परिभाषा में आते हैं और उन्हीं चीज पर हम आश्रित हैं. और उस आश्रित की जो सर्टिफिकेट है वो तो बंदोबस्त के टाइम पे नक्शा बर्तन और वजीपुलस में वैसे ही दर्ज हो चुका है ना जी. अब तीसरा वाला जो पॉइंट है, वास्तविक आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भरता. अब इस वाक्य को भी व्यापक स्तर पर समझने की जरूरत है. अब व्यापक इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरीली जो प्राइमा फेसी जो डेफिनेशन हम दिमाग में बिठा देते हैं उसकी वजह से संशय पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, जिसकी वजह से लोग एफआरए को ढंग से समझ नहीं पाते. तो यहाँ पे जो तीसरी शर्त थी, वास्तविक आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भरता, FAQ के पेज नंबर 9 पैरा 2, ये सब इस चीज इस किताब में है. तो यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो कहीं पे भी संशय की कोई बात ही नहीं है कि आप यहाँ पे पात्र व्यक्ति हो कि नहीं हो. जी बहुत खूब. दिस डेफिनेशन जी, हमारे पास समय इतना नहीं रहता है. आपने डेफिनेशन दिया कि हमारा दावा के बारे में हमारे को अनुसूचित जनजाति का होना जरूरी है, और इसमें जो है आपने परिचित करवाया किस प्रकार से. लेकिन अब सवाल आता है कि 2006 से सवाल आ रहा है कि 2006 में हमारा बना था, 2022 है. तो महोदय जी, इतना लंबा समय क्यों लगा हमारे इस एफआरए के लिए, और इस पर थोड़ी सी जानकारी है तो जरूर साझा करें. क्योंकि लोग लोग यही 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 जानते कि कांग्रेस बीजेपी गुमराह कर रहे, कहां ऐसी अड़चन आई थी. क्योंकि एक तरफ हमारे जो है जितने भी जो जो वन वन से जुड़े हुए जो हमारे जो संस्था है सभी आंदोलन कर रहे थे. इतना लंबा अंतराल के बाद अचानक ही एफआरए को जो है लड्डू हमारे को खिलाना, कारण क्या है, क्या कारण क्या, और श्रेय भी जाता है इसमें. तो चलिए लंबा लंबा जो है इस पर जरूर बताया सर, इतना रुकावटें कहाँ कहाँ आई. जी मुझसे पूछा ना आपने. जी आपसे ही सर. हाँ जी, सबसे पहले तो इसमें जो रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट हमारे कई अधिकार जिसके ऊपर कुंजी मार के हमारे सरकार बैठ गई, सरकारें जो भी आई. आपको मालूम होगा एक पैसा एक बना था जो ट्राइबल एरियाज के लोगों को सेल्फ गवर्नेंस की शक्ति देता था. उसके ऊपर भी उन्होंने नियमों में संशोधन करके हमारे सारे अधिकार छीन लिए. अब वन अधिकार अधिनियम आया, लेकिन उन्होंने विल पावर शो ही नहीं किया. अगर थोड़ा सा भी विल पावर उनके अंदर होता तो 2008 में जब ये लागू होके 9 में हम लोग प्रोसीडिंग्स वगैरह देख रहे थे कहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 12-13 के दरमियान में तो ये प्रक्रिया, या फिर 14-15 के दरमियान तक तो पूर्ण हो जाना चाहिए था. तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे रुकावट थी वो जो भी सरकारें आई उनके विल पावर में कमी की वजह से आई. और दूसरी बात ये थी कि जो SDLC और DLC फ्रेम किया जाता है FRC एक्ट के अंतर्गत, वहां पे जो भी नुमाइंदे आए वो अपना पक्ष अच्छी तरीके से रखने में उतने सक्षम और उतने कामयाब नहीं हुए. अब इसका कारण सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने वो सारी जो मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए थे SDLC और DLC के मेंबर्स को, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल सभी को ट्रेनिंग होने चाहिए था,
जो कानून की किताबें हैं वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, वो कहीं से भी अच्छी तरीके से हुआ नहीं। हम तो खुद से अपने तरफ से हम लोग जागृति मंच के साथ जुड़े, तो उन्होंने हमारा जितना जो ज्ञान आज हमारे पास थोड़ा बहुत है वो हम लोग जागृति मंच और हिमधरा पर्यावरण समूह, हिमालय नीति अभियान, ऐसे ऐसे एनजीओ की मदद से आए। सरकार की तरफ से हमें मतलब कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर जो भी सरकारें आए, यहाँ पे समझने की जरूरत है क्योंकि श्रेय लेने की होड़ की है। तो मैं कहना चाहूंगा ये सारी रुकावटें थी, और यहाँ तक कि हमारे जो एसडीएलसी में ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन तक, बड़ी बात है, चेयरमैन तक को अगर एफआरए का नॉलेज ना हो तो एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और उससे भी आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे गांव स्तर पे जो भी पात्र लोग हैं उनके अंदर भी वन अधिकार अधिनियम की समझ उतनी नहीं है कि ये एक मोबिलाइजेशन बने, एक मूवमेंट बने। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। और आपने साझा किया कि आज तक जो भी जो 2013 में होना चाहिए था, 2012 में होना चाहिए, 2008 में, 2009 में कहीं ना कहीं सरकार की कमी आ रही, लेकिन अगर जन जागृति समितियां ना होती और शायद ये अधर में लटका, तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े वन अधिकार नियम के जो समिति के जो अध्यक्ष हमारे जेलाल नेगी जी। जेलाल नेगी जी, आपका पुनः स्वागत करते हुए, और आप लोगों की लड़ाई जो है, लड़ाई का जो अंतिम जो पहल था वो अब चल पड़ा है, अपनी माइक ऑन करें और अपनी इस पर प्रतिक्रिया करें सर। तो आखिर ये जो है इतना लंबा क्यों लगा, और अब क्या जो हमारे विकास के कार्य सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी हमारे रुके हुए काम है, चाहे स्कूल शिक्षा, स्कूलों का और सड़कों का जो भी था, आप पर प्रतिक्रिया करें सर, अपना माइक ऑन करें सर। बिल्कुल रामपाल जी, इसमें जो अभी दोरजे जी ने जो कहा है वो उन्होंने सेक्शन 3(1) को लेके इन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है व्याख्या किया है कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। और जो आपने जो वीडियो दिखाया था संदीप मिनास जी का, वो जो प्रोसेस उन्होंने बताया वो सेक्शन 3(2) को लेके बताया था, जो विकास कार्यों की जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो विकास कार्यों की जो बात है तो पहले से भी चलती आ रही थी, ये पिछले सरकारों में इसमें तो काफी डाइवर्जन जो है जमीनों की हुई है, चाहे वो सड़कों के लिए, आज देखिए हर गांव के कंडों में सड़कें खुल गई है, तो वो एफआरएम में ही खुला है। जो प्रोसेस जो संदीप मीना बता रहे थे, इसी प्रोसेस में ये सारे के सारे जो हमारे कंडों में जितने भी सड़कें खुली है इसी प्रोसेस से खुला है, तो ये तो अभी भी बंद नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है कि अब जो मॉनिटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अब जो प्रदेश सरकार है वो क्या करती है कि सारे डिस्ट्रिक्ट से जितने भी ये जो रिपोर्ट्स बनते हैं सेक्शन 3(2) के जो विकास कार्यों के लिए, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो सड़क है, आंगनवाड़ी, फेयर प्राइस शॉप, जो 13 आइटम्स वो बता रहे थे संदीप जी, तो ये सारा का सारा रिपोर्ट जो है अब सारे डिस्ट्रिक्टों से कंपाइल होके स्टेट गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से इसकी परमिशन लेके आती है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा ये लंबा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस सेक्शन 3(2) को मॉनिटर कर रही है। जहां तक सेक्शन 3(1) की बात है, जिसके बारे में अभी जो सारी चीजें जो दोरजे जी बता रहे थे, ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं था, तो इसको लेके भी ये भ्रम की स्थिति बनाई जा रही थी पिछले इसी सरकार से। तो हालांकि इसमें जो अभी सरकार में जो इनके जो नुमाइंदे हैं, नेते हैं, इनसे भी मैं हमारी कई बार बात हुई कि इन्होंने कहा कि एफआरए तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, तो इस पे हमने कई बार इनको कहा कि नहीं, सेक्शन 3(1) कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लटका है। और इसी के चलते देखिए कि अभी ये जो पांच जो लोगों को पट्टे मिले हैं तो ये इसी वजह से मिले हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस होता तो ये कहीं से नहीं मिलना था। तो ये 4 साल तक जो है ये भ्रम की स्थिति में ये रहे, और हमारे चक्कर में दे रही है, चाहे वो किसी भी चक्कर में दे रही है, चाहे अधिकारियों की जो है बोधी जा गई है, चाहे हम क्या कहें, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि एक कम से कम एक जो है सुखद शुरुआत तो हुई है, कहीं ना कहीं जो है पांच लोगों को मिला है। और इसी तरह से जो है अब जाके जो है अब हमारे जो गांव लेवल में जो एफआरसीज है उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है कि अब जल्दी से जल्दी जो है फाइलें एसडीएलसी तक पहुंचाए और लोगों को जो है जल्द से जल्दी अधिकार मिल जाए। अगर ये मई जून जुलाई तक जो है अगर ये अधिकार हम लोग जितना ले सके बहुत अच्छा रहेगा, कि हमारे लिए तो एक सुअवसर, मैं इसे कहूंगा।
जी, किन्नौर के जनता से और ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे के जुड़े हुए सदस्य हैं, जल्दी से जल्दी जो है गांव की जो भी फाइलें हैं वो डीएलसी तक पहुंचाए, ताकि प्रतिक्रिया और जल्दी सबको अपना जो है वन भूमि का अधिकार मिले। तो ताशी सर, आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। जी राम भगत जी, ये दोरजे जी और जियालाल नेगी जी ने बहुत अच्छी बात कही और अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और मुझे लगता है कि देरी का एक कारण जो है लेक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है लोगों में ना, लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें दोरजे जी और जियालाल नेगी जी दोनों से, वो ये है कि मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में जो है लगभग 12,232 हमारे किन्नौर में जो है लैंड होल्डर्स हैं, और इन 12,232 में से, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, 12,232 में से 2,200 के करीब ऐसे लैंड होल्डर्स हैं जिनके पास 0 से 5 बीघा जमीन है, और हमारा एफआरए कानून कहता है कि जिसका 13 दिसंबर 2005 से पहले जो अधिकार है वन भूमि पर उसको वो मिलेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खासकर आप लोग बहुत इसमें एक्टिव रहे हैं, तो ऐसे कम जो लैंड होल्डर्स हैं हमारे किन्नौर में, हमें बींग ए किन्नौरा उनके बारे में भी सोचना है, तो आप लोगों ने कोई इस पर प्लान किया है कि भी जो हमारे बिल्कुल जो कम लैंड होल्डर्स हैं उनको भी इसका कहीं ना कहीं लाभ मिले, तो इस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। दर्जे सर, आप पहला प्रतिक्रिया रखें। जी, राशि जी ने ये पूछा था कि जो कम लैंड होल्डर्स है उनके हक में हम क्या कर सकते हैं। जी देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आपकी डिपेंडेंसी सत्यापित होती है 2005 से पहले के जो अधिकार है। यदि आप उस समय पहले, इस डेडलाइन से पहले आप डिपेंडेंट थे, तो आपका वेरिफिकेशन इस प्रोसेस के माध्यम से हो जाएगा और आप लैंड होल्डर्स बनेंगे। यदि आप उसमें उससे पहले आपकी डिपेंडेंसी नहीं थी और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है वो आपके जो पूर्व में जो राइट है उसको सत्यापित करने की प्रक्रिया है, ना कि कोई नया स्कीम जमीन बंटवारे का। अब नया स्कीम हमारे पास रह क्या जाता है, वो रह जाता है नो तोड़, और सरकार कोई अगर पॉलिसी बनाए लैंडलेस के डेफिनेशंस को चेंज करके, जो अंडर 5 वाले होते हैं लगभग लैंडलेस ही माना जाता है, तो उनके डेफिनेशंस चेंज करके अगर सरकार कोई पॉलिसी लाती है और अगर पूरे किन्नौर के जो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं मिलके ऐसी पॉलिसी लाने की तरफ सरकार को दबाव बनाने की कोशिश करेंगे उनके हक में, तो यही चारा रह जाता है, क्योंकि नौ तोड़ एक स्कीम है नया जमीन आपको देने का। अगर सरकार ढंग से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके जो कम जमीन वाले हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे तो ये एक चारा है, वरना वन अधिकार अधिनियम 2006 तो आपको प्रूफ के जो सत्यापित राइट्स है उन्हें को दोबारा से स्टेब्लिश करती है। जी जी लाल सर, हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे दोरजे जी ने काफी कुछ बता दिया है, मेरा बस इसमें इतना ही कहना है कि 2008 से लेके आज तक जितने भी जो ज्ञापन दिए हैं, चाहे हम लोग पर्सनली चाहे सीएम साहब से मिले हैं चाहे किसी भी अधिकारी से हम मिले हैं, इसमें हम लोग हमेशा जो है नोतोड़ और एफआरए को दोनों को इकट्ठा जो है साथ लेके इसीलिए चलते हैं, क्योंकि जो एफआरए है ये वन टाइम सेटलमेंट है। 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर आपकी आप कब्जे की भूमि है तो वो आपको मिलना है, उसके बाद तो नहीं मिलना है उसके बाद वालों को। तो उसके बाद वालों के लिए क्या, जैसे ताशी जी ने कहा कि जी जीरो से जो है 5 बीघे तक हमारे पास बहुत 2,200 कुछ केसेस हैं, इस तरह के लोग हैं, तो बिल्कुल इनको नौतोड़ में मिलना चाहिए। नौतोड़ में पहला प्रेफरेंसी जो है इनको दिया जाता है, तो हम लोग जो है हमेशा से जो है नौतोड़ को लेके भी हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, चाहे हम लोग 2-3 बार जो है हम लोग ये अपने गवर्नर साहब से भी मिले हैं नोतोड़ को लेकर, कि आप इसमें नोतोड़ नहीं मिलने का कारण सबको पता ही है कि जो अननेसेसरी इसमें जो कंडीशंस, दोनों बार जब ये नोटिफिकेशन जारी किया था 2-2 साल के लिए, उसमें जो अननेसेसरी कंडीशंस लगे थे इस वजह से ये नोतोड़ नहीं मिल रहा था। अदरवाइज तो आज भी नोतोड़ नापने का जो अधिकार है वो इन्हीं लोगों को है जो 0 से 5 बीघे वाले हैं, वो तो देखना ही पड़ेगा। ये वन अधिकार अधिनियम में तो वन टाइम सेटलमेंट है, जिनके पास पहले से जो कब्जे की भूमि है वो मिल गया तो मिल गया, उसके बाद तो नया इसमें कोई स्कीम नहीं है ये वन अधिकार अधिनियम। जी बहुत खूब, जिस प्रकार से ताशी नेगी ने कहा कि
जो है 12,232 लैंड होल्डर है और 2200 के करीब जो है इसमें जो है 0 से 5 तक के बीघा वाले हैं। और ये 2005 से और 2005 के बाद के जो अभी जो लोग हैं वो उन पर क्या उनके पास कईयों के बाद अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सांगला का, जो बिल्कुल ही उसने एक वायरल किया था कि उसके पास भूमि ही नहीं है, बिल्कुल ही जो है रहने लायक नहीं है, तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए किस प्रकार से, तो ये प्रक्रिया आप लोगों ने कहा कि नोतोड़ को भी लेकर चलना पड़ेगा, एक प्रतिक्रिया आई है, इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको अधिकार मिलने के बाद अब उसमें जो है नजायज के कब्जे की बात आ रही है, तो ये प्रतिक्रिया को समझते सभी पढ़े। FRA Act 2000 के तहत दिनांक 3/1/2022 को मलिंग गांव के 5 लोगों की दावा को स्वीकृति प्रदान की गई। DLC द्वारा लिया गया निर्णय न्याय के संगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1953 का सरासर उल्लंघन है। उपरोक्त मलिंग गांव के आवेदकों का दावा जो DLC में पेश किया गया है, ये जमाबंदी के मुताबिक भू राजस्व बंदोबस्त के दौरान जमाबंदी में मुख्तलिफ कब्जा नजायज दर्ज हुआ है और मामला में भू राजस्व अधिकारी के पास विचाराधीन है। तो ये भी अड़चने आ रही है। अब हो सकता है इनकी जमीन कम भी हो लेकिन यह नजायज कब्जा की बात आ गई, अब ये कैसे सॉल्व होगा? नजायज कब्जा के बारे में थोड़ी सी प्रक्रिया मैं खुद बताना चाहता हूँ। ये उस समय का केस तो नहीं है जब एक फॉर्म भरना भरना था कहीं, वो फॉर्म जो भर दिया था जिन्होंने 50 रुपए का फॉर्म भरने के बाद, ये वो तो नहीं गलतियां जो उनके पर आ पड़ा, तो ऐसे अब इन पर किस प्रकार से जो है ये अमल किया जाएगा? तो दौरजी सर आप आवाज उठा रहे तो बताएं, आप इशारा कर रहे हैं तो इस पर आप प्रतिक्रिया करें। जी, मैं राधा कृष्ण नेगी जी के इस कमेंट को देख रहा था तो जी मैं मतलब बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि सबको साथ लेके चलना इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोशिश सर करेंगे उनके साथ भी, उनके जितने भी क्वेरीज है उसके ऊपर हम क्लेरिफिकेशन दे पाए। लेकिन सबसे पहले मैं जो प्रस्तावना है वन अधिकार अधिनियम की, जिसके ऊपर सब स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये विशेष कानून है। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का से कोई भी यदि कानून के अंतर्गत यदि कोई भी सेटलमेंट यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे स्पष्ट माना गया है कि एक विशेष कानून साधारण कानून पे हावी रहेगा और ये वन अधिकार अधिनियम 2006 एक विशेष कानून है। रही बात उन्होंने कुछ सेटलमेंट की बात कही है यहाँ पे, बीच में कॉल की वजह से मेरा जो मटेरियल है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आप डीपली जाने की कोशिश करें इस चीज में कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि न्याय मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम 2006 को एक विशेष कानून का दर्जा देती है, ठीक है, संसद के द्वारा। फिर जब भी दो कानूनों में टकराव की स्थिति होगी तो विशेष कानून हमेशा प्रासंगिक होगा, इसकी भी व्यवस्था दी गई है। अब कानून बनाते वक्त माना गया कि ब्रिटिश शासन काल से आजाद भारत तक में, जो उस प्रस्तावना उसके पैरा 3 में आप पढ़ेंगे तो ध्यान से, उसमें साफ बताया गया है कि ब्रिटिश शासन काल से आजाद भारत में जितने भी कानूनों के तहत हमारे जो राइट्स है वो दर्ज करने की प्रक्रिया हुई, कहीं ना कहीं कमी रही। यहाँ पे एक ऐतिहासिक अन्याय जनजातीय लोगों के साथ हुआ। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमारे गांव का बंदोबस्त हुआ था हमारे गांव की लिटरेसी रेट क्या रही होगी, जिसके अभी अब अभी हम कह सकते हैं कि एक लिटरेसी रेट है, फेयर इनफ लिटरेसी रेट है कि लोग अपना पढ़ लिख के अपने हक अधिकार को यहाँ पे दर्ज करते वक्त कंसर्न रहेंगे। लेकिन उस दौर में जब 86 में जब हमारे यहाँ की लाइवलीहुड इतनी डेवलप नहीं थी, उस समय बंदोबस्त हुई है और यहाँ पे कानून में भी स्पष्ट कहा गया है चाहे जिस भी किस्म का गांव हो, वेदर सेटल्ड और नॉन सेटल्ड, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू, सब FRA के अंदर भी आता है, जिसके एक डेफिनेशन मेरे पास है। यदि राधा कृष्ण जी सुन रहे हैं तो मैं उनको एक कानून का हवाला देना चाहता हूँ यहाँ पे।
31J, कृपया उस कानून को राधे कृष्ण जी पढ़ के इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। यहाँ पे बताया गया है कि राइट वी कैन रिकॉग्नाइज अंडर एनी स्टेट लॉ और लॉज ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और विच आर एक्सेप्टेड एज राइट्स ऑफ ट्राइबल अंडर एनी ट्रेडिशनल और कस्टमरी लॉ ऑफ द कंसर्न ट्राइब्स एट एनी स्टेट आर टू बी अंडर ब्राउट टू बी अंडर FRA, है ना जी। इन तर्कों से सत्यापित होता है कि हिमाचल के जनजातीय लोग और यहाँ तक निचले क्षेत्रों में रहने वाले अन्य परंपरागत वन निवासी भी इस कानून के तहत पात्र है, क्योंकि सेटलमेंट एक बहाना बन रहा था हमारे यहाँ पे। लोग कह रहे थे कि यहाँ बंदोबस्त हो चुका है तो दोबारा से ये वन अधिकार अधिनियम की क्या जरूरत है। तो जहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ वहां तो विशेष कानून वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके राइट्स दर्ज होंगे और हमारे एक साधारण लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा हमारा राइट्स, जिसको कभी भी खत्म कर दिया जा सकता है। ये तो अन्याय हुआ ना। सबको बराबर मौका दिया है इस कानून के तहत कि अपने राइट्स रजिस्टर करें FRA के तहत, एस्टेब्लिश करें। सॉरी जी लाल सर, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इस प्रतिक्रिया पर अगर उनके पास ऑलरेडी भूमि कम है तो ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? अपना माइक माइक ऑन करें सर। इसमें जो ये राधा कृष्ण जी का जो प्रश्न है, ये जो है मैंने ये पहले भी इन्होंने इस तरह के प्रश्न मैंने देखा है कि कहीं जगह सोशल मीडिया में या कहीं फोरम में इन्होंने किया है। तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे दोरजे जी ने कुछ चीजें बताया और इसकी क्लैरिफिकेशन जो है सेक्शन 31J के बारे में तो दोरजे जी ने बता दिया। इसके अलावा भी जो है, अभी मैं जो है सोलन में हूँ, अदरवाइज मैं वो कागज में पढ़ के सुना देता। इसकी क्लैरिफिकेशन 2008-09 में प्रदेश सरकार के ट्राइबल अफेयर जो डिपार्टमेंट है उसकी पहले भी आ चुकी है कि इसमें जो है जिनके जो है ये जो 2002 के जो फॉर्म है नाजायज कब्जे वाले और जो है बंदोबस्त के जो कब्जे हैं और इसमें जो है जिनके नोतोड़ है वहां पे उनको सेंक्शन नहीं हुई है पर जो है वहां लोगों ने अगर किसी तरह का दखल किया है तो ये चीजें जो है इसमें आप जो है FRA में इसे जो है डाल सकते हैं। ये प्रदेश सरकार ने लिखित रूप में दिया हुआ है, फिर आप फिर इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि ये जो है FRA में कैसे दिया जा रहा है। FRA में देने के लिए तो ये तो एक बहुत अच्छा सबूत है। उल्टा आप इसको अगर अदरवाइज देखें तो ये जो बंदोबस्त का जो कब्जे का आपके पास कोई जो भी पेपर है कागज है या 2002 में आपने लिख के दिया है कि मेरे पास नाजायज कब्जा है तो ये तो अच्छा सबूत है। सरकार मान रही है कि क्यों आपने आपने जो है क्या शो करना है कि आपका जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले उस जमीन पर कब्जा है और सरकार लिख के दे रही है कि आपका कब्जा है। ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सबूत है। अभी जो है जो रिसेंटली जो 5 दावे जो DLC ने जो मंजूर किए हैं तो ये वो इन्हीं को किया है। इसमें जो बंदोबस्त के जो लोगों के पास कब्जे थे इनको इन्होंने दे दिया है और आगे भी जो है ये तो अच्छा सबूत है इसके लिए FRA के लिए। तो धन्यवाद राधा कृष्ण जी, आप समझ गए होंगे कि प्रतिक्रिया की बहुत अच्छा संकेत है और इस पर टिप्पणियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार के नियम है इसमें बनाए हुए। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, हमारा मकसद है किन्नौर की जनता को बेनिफिट मिले। एक सवाल आ रहा था उस पर बहुत जानना जरूरी है। यहाँ सुभाष जी मारिंग से, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों वर्ग के लिए FRA के पात्र है? इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करें, या जयलाल सर या दोरजे जी, कोई भी आप में से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का कहीं पे प्रश्न नहीं है। अनुसूचित जनजाति जो है वो तो इसमें आएगा ही आएगा। फिर इसमें जो अनुसूचित जाति, इसमें जाति का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। इसमें दो ही कैटेगरी है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक कैटेगरी है और एक आपका अनुसूचित जनजाति है। या तो अनुसूचित जनजाति हो या फिर वो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, अन्य परंपरागत वन निवासी। इसमें जाति जो है का इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि भाई जाति का है या नहीं है। अनुसूचित जाति का हमारे तो किन्नौर में तरह का सारा ट्राइबल एरिया है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति। आप प्रतिक्रिया रखें। माइक ऑफ है आपका। जैसे जिया लाल जी कह रहे थे दो कैटेगरी है यहाँ पे, STFD बोलते हैं एक को हम, दूसरे बोलते हैं OTFD। STFD means Scheduled
ट्राइब फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब FDST सॉरी एंड OTFD मीन्स अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारे किन्नौर के अंदर के जो यहाँ पे प्रश्न में आया अनुसूचित जाति का, तो यहाँ पे तो ट्राइबल एरिया घोषित है और अनुसूचित जनजाति के तहत बाय डिफॉल्ट ये लोग इनको पात्रता मिलती है। जो अनुसूचित जाति है उनको बाय डिफॉल्ट अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिल जाता है क्योंकि वो है इस क्षेत्र में। किन्नौर में आपको पात्र के भागीदार है तो इसलिए संशय वाली बात नहीं है क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो यहाँ के अनुसूचित जाति को भी इसका जो है सो अवसर मिलता है। तो एक प्रतिक्रिया मैं टाशी जी के पास रखना चाहूंगा, टाशी जी आपके पास ही एक प्रतिक्रिया रखूंगा। ये कहते हैं कि जनजाति इलाकों में FRA में इंप्लीमेंट में डिले का मुख्य कारण प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी और राजनीतिक इच्छा की कमी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम का गलत इंटरप्रिटेशन करना कुछ ऐसा है। तो क्या ये सत्य है कि हमारे को इसका मुख्य ट्रेनिंग नहीं है और गाँव में जैसे आपका ग्राम सभा होता है या फिर कहीं इस प्रकार का जो कैंप नहीं होता कि जहाँ हम इसको FRA को अच्छी तरह से समझ पाए, तो क्या ये मुख्य कारण है आशीष जी? हाँ जी राम भगत जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि लैक ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश जैसे का एग्जांपल देखोगे तो वहाँ पे जैसे गोंड और जो दूसरे जो ट्राइबल्स हैं संथाल भील, उनको FRA के अंदर लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो है काम चला वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो हमारे से बहुत डिफर है। वो ऑलमोस्ट 100% and 99% जो है वो जंगलों में ही है, हमारे से थोड़ा डिफर है। तो मुझे लगता है कि इनका ये जो बात इन्होंने कही है बिल्कुल सही है और इसमें दुर्जे जी और जयलाल जी से तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और मेरी ये एक्सपेक्टेशन भी होगी कि अगर हो सके तो गाँव में एक मुहिम जो है FRA को लेकर के टू नो अबाउट FRA। मुझे नहीं लगता कि गांव का एक आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है या जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है उसको FRA का कुछ मालूम है। तो अगर ये जब तक इसको गांव-गांव का हर एक नागरिक जो है, हर एक किन्नौरा जो है समझेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं बीच में संशय ये पैदा होते ही रहेंगे और अलग अलग जो धारणाएँ हैं वो बनती ही रहेगी। तो इनका ये विचार बिल्कुल सही है राम भगत जी, ये अच्छा है और इस पर मुझे उम्मीद है कि दौरजे जी और जो जियालाल जी और इनके साथ जो पूरी टीम है, वैसे तो ये पिछले कई टाइम से काम भी कर रहे हैं तो इस पर आना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे जियालाल जी ने बताया कि भाई जो हमारे लगभग जो 2200 लोग जो जीरो से लेकर के 5 बीघा लैंड होल्डर्स है उनको जो नोतोड़ का जो ये बहुत अच्छी खबर है कि भाई नोतोड़ के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जो मैं ये समझता हूँ कि भाई एक डिस्क्रिमिनेशन, लैंड डिस्क्रिमिनेशन जो है किन्नौर के अंदर आ जाएगा, लैंड डिस्क्रिमिनेशन बहुत आ जाएगा और ये बहुत भारी आगे तक चला जाएगा। ये मुझे लगता है कि भाई हम सभी किन्नौर वासियों के लिए कोई बहुत सुखद बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो इस मुहिम के साथ दुर्जे जी और जयलाल जी नोतोड़ के लिए भी अगर आप प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूँ ये सोने पे सुहागा होगा, वरना हमारा एक तबका जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटेड हो जाएगा, मतलब वो वंचित होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो वंचित होगा और एक टाइम वो आ सकता है कि ये फिर अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ने का जो है मुहिम वो शुरू कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो आएगा, जो संभावित है मेरे हिसाब से, उसको कम करने के लिए भी हमें ये इस पे काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, नोतोड़ पर ही काम करने की जरूरत है। मैं एक और एक यहाँ पर आपके सामने प्रतिक्रिया रखता हूँ, बहुत जरूरी है। तंजिन जी कहते किन्नौर वालों से निवेदन है कि अभी 5 ही दावे मिले हैं, आपस में छींटाकांसी ना करते हुए लंबित पड़े दावों को अधिकार पत्र के लिए संघर्ष करें। ये सभी से, चाहे चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आपके युवा पार्टी हो, चाहे किसी भी वन अधिकार से जुड़े, सभी से निवेदन है कि छींटाकांसी ना करें और लड़ाई के लिए लड़े। तो हमारे पास 1 घंटा का समय है और इन 1 घंटे का इतनी है। अगर आप लोगों ने फिर भी कोई सुझाव देना हो, दौरजे सर पहले आपसे हम लेते हैं, आपका 2-3 मिनट आप लगा सकते हैं कि आप किन्नौर वासियों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आज हमारे बीच होंगे श्री बी आर नेगी जी,
जिस भी कारणवश आज हमारे बीच नहीं आ पाए, लेकिन उनसे निवेदन करूंगा कि लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए प्लीज हमारा साथ दीजिए। आपके पास काफी ज्ञान है, रेवेन्यू से रिटायर्ड ऑफिसर हैं आप अपने क्षेत्र के लोगों का बहुत भला कर सकते हैं। तो कुल मिला के उनसे ये निवेदन है कि प्लीज किन्नौर के हित में काम करिए और लोगों के भावनाओं के साथ दीजिए। और राधा कृष्ण जी से भी निवेदन करूंगा कि कानून में जितने भी प्रावधान है सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लीज अपने कॉमेंट्स फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि इससे संशय की स्थिति लोगों में पैदा हो जाती है। और इस मंच के माध्यम से जिनको मैं धन्यवाद करना भूल गया हूँ, सॉरी जब मुझे मौका ही नहीं मिला, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय आईएएस रिटायर्ड श्री आर एस नेगी जी का, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हमें वन अधिकार के मामले से अवगत करवाया कि ये है क्या। और उसके बाद उनकी जो टीम है जिनमें आर सी नेगी जी, ठंडी सी और जिया लाल आदि साहब तो है ही है, उनसे बीच बीच में हमेशा बातचीत होती रही, मटेरियल्स प्रोवाइड किए इन्होंने। और हिमदरा पर्यावरण समूह प्रकाश भंडारी जी, एक एनजीओ जो गांव गांव जाकर लोगों को वन अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक करवा रहे हैं, और हिमालय नीति अभियान श्री कुमार सिंह जी, किन्नौर के लड़ाई में कई बार अपना योगदान दे चुके हैं। और उन सभी लोगों से जो भी वोटर्स हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप पंचायती राज के कैंडिडेट्स वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर जरूर ये चीज देखिए कि वो वन अधिकार अधिनियम 2006 और 9 तौर के ऊपर क्या रुख रखता है, उसके एंटी प्रोजेक्ट मूवमेंट के ऊपर क्या स्टेटमेंट्स हैं। बस इन चीजों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो वन अधिकार अधिनियम की लड़ाई है और भी 9 तौर और एंटी प्रोजेक्ट मूवमेंट्स की लड़ाई है किन्नौर में कामयाब होगी। बेशक शुरू हुआ है, बहुत डिले हुआ है, 5 केसेस के साथ ही सही, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ट्रू विल पावर दिखाते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और किन्नौर के लोगों को उनका हक दीजिए, बस यही निवेदन करता हूँ जी। धन्यवाद, एक घंटे का समय हम सबकी प्रतिक्रियाओं को रख नहीं सकते। और बताना चाहता हूँ कि बीआर नेगी की नहीं जुड़ने का कारण जो हमारा लिंक होता है तो कईयों को समझ नहीं लगता कि कैसा जुड़ना है, क्योंकि वो अकेले थे, उनको समझ नहीं आया जुड़ना कैसे है। हमने बहुत कोशिश की समझाने की, समझे नहीं। हम अगली बार भी लाएंगे और हम कोशिश करेंगे आर एस नेगी को भी लेकर आए कभी इस मंच में, अगर उनकी तबीयत ठीक होगा तो। ये एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा। अभी तो आपको कहा कि जैसे 12,000 से ऊपर इसमें लोग जो है आमंत्रित है और 2,000 केस इसमें पड़े हुए, और 2005 के बाद अन्य लोग भी जो है विस्थापित है जिनको अपना हक हकूक नहीं मिला। ऐसे कई जो है गतिविधियां हम इस पेज में लाते रहेंगे और अन्य मेहमानों को भी, अन्य जो संघर्ष करते हैं उनको भी लेकर आएंगे। और राजनीतिक दलों से भी हम यही निवेदन करते हैं कि जो आवाज हमारी किन्नौर की जनता उठाते हैं उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें। तो जिलाल सर आप अपनी प्रतिक्रिया करें सर। आवाज हमारी जी ने बता दिया, रिपीट नहीं करना चाहूंगा, पर इतना ही कहना है कि अब जब ये जो 5 केसेस जो है सेटल हुए हैं, जो पट्टे मिले हैं लोगों को, इसके बाद जो है हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम जल्द से जल्द जो है सारे किन्नौर वासियों को, चाहे एफआरसीज है, चाहे वो पंचायती राज से जुड़े हुए संस्थान है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो एनजीओज हैं, तो सभी को जो है अब जो है एफआरए के जो फाइल्स है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें जो है अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी अगर लोगों को कोई इसमें शंका है किस तरह से करना है क्या है, तो इसके लिए तो जो है हम लोग 2008 से लेके आज तक जो है हम काम कर ही रहे हैं, और हम बिल्कुल लोगों को हम लोग जो है इसमें साथ देंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अब तो जो है हमारे साथ जो है दोरजे जी जैसे जो एसडीएलसी के मेंबर्स है वो अब जो है इस कानून को पढ़ रहे हैं और इन सब चीज़ों को जो है ये भी जो है अपना एक कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इस तरह से और भी लोग अगर जो है इसमें हमसे जुड़े हैं और इस कानून को पढ़ें तो ये कोई बहुत बहुत कानून नहीं है रॉकेट जो लोग ना पढ़ सकते। तो मैं देखता हूँ कि इन्होंने अभी हाल ही में 1-2 साल में ही जो इन्होंने काफी कुछ पढ़ा है और इनको समझ आ गया है। तो इस तरह से जो है दोरजे जी की तरह और भी लोग अगर आगे आए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम तो 2008 से
आदरणीय आर एस नेगी जी और हम लोग तो लगे हुए ही हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, अधिकारियों को भी हम लोग इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो अब जो है लोगों का जो है जिम्मेदारी बढ़ गया है और जल्द से जल्द सभी लोग जो है इसमें अगर कुछ भी हमारी हेल्प की जरूरत हो या खुद से भी जो है इसको जल्द से जल्द हम फाइलों को जो है आगे SDLC तक पहुंचाए, यही मेरा कहना है। जी बहुत खूब, मैं राधा कृष्ण नेगी जी से यही चाहूंगा कि अकेला दोरजे जी का लड़ाई नहीं, अकेला जयलाल जी का नहीं, अकेले किसी के पूरे किन्नौर का, आप हमारे से संपर्क कीजिए। अगर इस विषय में कोई संशय आप जो है जनता के समक्ष रखना चाहते हैं, हम आपको लेकर आएंगे, क्या दिक्कत है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप अपने जरिए से लोगों को समझा सके। हो सकता है कि कुछ लोग आपके अपना जो सोच अलग होगा, तो आपके द्वारा भी हम लोगों को समझाने की प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमें मिल बांट कर पूरे किन्नौर को सब एक और होकर इस लड़ाई को लड़ना है, तो सभी से ये अपील है। और ज्यादा छीटाकाशी ना करते हुए अब आपने मंच बनावा है, आप जब मर्जी इसमें आए, अपनी प्रतिक्रिया को रखें और जनता का हित का हो, और किसी निजी हित का ना हो, जनता का हित का हो। आपने देखा हो कि गाँव में ऐसे बहुत सारे होते हैं कि कईयों ने ज्यादा लिया, कईयों ने कम लिया, तो इन चीजों में हम छीटा खांसी करते, लेकिन आपका हक क्या है उसको जानना जरूरी है। तो चलिए राधा कृष्ण जी, आप मेरे नंबर आपके स्क्रीन या स्क्रीन पर चलते रहते, आप संपर्क कीजिए। काशी सर आप बताइए ना। चलिए बहुत अच्छा ये चर्चा रहा राम भगत जी, बहुत बहुत सारे अभी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और हमारे मन में भी और सारी शंकाएं जो भी होगी वो तो चलो आगे भी कभी मौका मिलेगा तो हम लोग और डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जितना हम परिचर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि उतना ही ज़्यादा जो है लोगों के जो संशय है इसको लेकर के वो दूर होता रहेगा। जैसे मैं अभी कुछ लोगों को पढ़ रहा हूँ कि वो इसे अतिक्रमण की बात वो कह रहे हैं, इस पर भी लोगों को जो है संशय दूर करना चाहिए अतिक्रमण की, भाई अतिक्रमण बहुत ज़्यादा जिन्होंने अतिक्रमण किया है सरकार का जो लैंड है उस पर भी संशय दूर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों में ये संशय होगा, तो दोबारा भी कोशिश कीजिएगा राम भगत जी कि ये मंच पे आप RS नेगी जी जैसे लोगों को, जयलाल नेगी जी है, दोरजे जी भी है, इनको आमंत्रित करें और जो भी क्वेश्चन है लोगों का वो दूर करें, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया इसमें बहुत कारगर साबित हो रहा है। तो यही मैं उम्मीद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेते हुए मैं यही चाहूंगा कि हम किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए सभी को लेकर आएंगे, कोई पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए मंच सभी के लिए। आप अपनी बातों को रखें, अपनी प्रतिक्रियाओं को रखें और किन्नौर को आगे ले आने के लिए सब मिलजुल कर काम करें। मैं राधा कृष्ण जी जैसे अन्य लोग जिनकी शंका है हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे, ये कोई डिबेट एपिसोड नहीं है, परिचर्चा है एपिसोड है, यहाँ पर समझना है किस प्रकार से अतिक्रमण है, किस प्रकार से जो है वंचित लोग रह रहे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये चीजों को समझना। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का, तो नमस्कार, शुभ रात्रि दोरजे सर जी, जयलाल सर जी, टाशी जी, जी थैंक यू जी। बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आ रही है और हमारा 1 घंटे का समय होता है, लेकिन ये एपिसोड हमारा आज ही खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि हमने कहा कि हम हर वीरवार को ये एपिसोड रखते हैं जिसमें हम गांव की समस्या आदि को लेकर आते हैं। आज हमारा समस्या था FRA के तहत, FRA के अभी ये हमारा जो है जो 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 मुद्दे थे खत्म नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे इसमें संशय आ रहे, बहुत सारी बातें आ रही लोगों को उठ कर, हम राधा कृष्ण जैसे लेके RS नेगी जैसे लोगों को और लेकर आएंगे इसमें और उनकी प्रतिक्रिया को जानेंगे और सब एक होकर हम चाहते हैं कि 2005 के बाद जो लोग वंचित रह रहे, जिनको नजायज जिनको भूमि से वंचित रहे, उन पर भी काम करना है। तो चलिए मिलते कल शाम के एपिसोड में, कल शाम का हमारा एपिसोड है रूबरू एपिसोड, जिसमें हमारे फिल्म निर्माता जो है और जो हमारे आदरणीय रेणु नेगी जी से कल परिचित होंगे रूबरू एपिसोड में। तो कल मिलते हैं, जिन्हें फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। मैं यही कहना चाह रहा था कि रूबरू एपिसोड में हम उन लोगों को लेकर आते जिन्होंने एक अपनी छवि अपने मेहनत से स्ट्रगल किया हो और अपनी अपने मेहनत के बलबूते आगे बढ़े हो। तो हमारे रेणु नेगी जी किन्नौर से तो जिनका जो है स्पीति में शादी है और वो ट्राइबल जो छोटे छोटे फिल्म है आपने देखा होगा किन्नौरी फिल्म, उन्होंने बहुत पहले ट्राइबल पर काम करते हैं, ट्राइबल एरिया दूर दराज के क्षेत्रों पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो दूरदर्शन के लिए। तो उनसे हम मुलाकात करेंगे कि 7 बजे
तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। और आप लोग हमें इस पेज में अगर कोई सुझाव देना चाहते हो और इस पेज में कोई जुड़कर अपनी बातें रखना चाहते हो, जैसे कि हमने कहा कि आपको सोमवार का एपिसोड हमारा हमारा रहता है कि काव्य संध्या के लिए काव्य से परिचित हमारे इसमें रहता है जो कवियों के लिए। मंगलवार का एपिसोड हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी हम अब से हम इस मंगलवार हेल्थ से और बागवानी कृषि से जुड़ा हुआ रहता है और शिक्षा से आदि, कानूनी सलाह से आदि। और अब से हम कुछ जल्दी ही एपिसोड शुरू करने वाले, इसमें हम जानेंगे जो प्लस टू के बाद जो बच्चों का कैरियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चा मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स लेता है तो किन किन विषयों को चुनना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट प्लस टू के बाद होते हैं, इस पर हम विशेष अतिथि बुलाकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। बुधवार का काव्य संध्या, वीरवार का हमारा ये जो आपका एपिसोड था गाँव शहर और राजनीति, और शुक्रवार को फिर काव्य संध्या, और शनिवार को फिर हमारा जो है संगीत, हमारा साप्ताहिक बुलेटिन। साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके एरिया के जो गतिविधियां हो रही है उसके बारे में जानते हैं, आपके द्वारा ही समाचार बनाया जाता है। और रविवार को हमारा किनोरी, हमारी जो संगीत परिचर्चा और संगीत संध्या होती है, तो और महीने के अंतिम जो शुक्रवार था वो रूबरू एपिसोड होता है। तो इसी प्रकार आप लोग हमें सुझाव देते रहे और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें, पूरे किन्नौर को जोड़ने का प्रयास करें। तो नमस्कार और शुभ रात्रि। आप लोगों का आभार और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। जय हिंद, जय किन्नौर।